आगरा में प्रमुख समाजसेवी संस्था हरि बोल सेवा समिति ने ऐसे लोगों के लिए जो एकादशी का व्रत करने के बाद उसका उद्यापन नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए एकादशी उद्यापन का आयोजन करने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें समिति के संरक्षक मुरारी लाल अग्रवाल जी ने बताया कि हम ये धार्मिक आयोजन उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो एकादशी उद्यापन करने में असमर्थ हैं। आयोजन में 151 व्यक्तियों का आयोजन पूरा किया जाएगा व 5 से 7 हज़ार व्यक्तियों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक रहेंगे। उन महिलाओं का एकादशी उद्यापन कराने जा रही है जिनके बेटे आगरा छोड़कर, शहर छोड़कर प्रदेश में पढ़ने या जॉब के लिए चले गए हैं। हरि बोल सेवा समिति उन महिलाओं को भी करा रही है जिन महिलाओं पे पैसे का अभाव चल रहा है। कोरोना के बाद से उनके घर में उठान नहीं हो पाया है, पैसे की दिक्कत की वजह से वो अपने घर में एकादशी उद्यापन नहीं कर पा रही है, जबकि एकादशी उद्यापन होना बहुत जरूरी है। जब तक गले का फंदा नहीं कट जाता है हमको किसी बात की भी शांति नहीं मिल पाती है। इसलिए हरि बोल सेवा समिति ये 7वां एकादशी उद्यापन महालक्ष्मी मंदिर में 151 जोड़ों का कराने जा रही है। इसी दिन हमारे सीएम डिप्टी सीएम हमारे श्री प्रियेश पाठक जी 4 तारीख को इस कार्यक्रम में फीता काटने के लिए पधार रहे हैं। मैं मीडिया के उससे सभी आगरा वासियों से बातचीत कहता हूँ कि इस कार्यक्रम को देखें और आएं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।